हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में हम बेसिकली जो हमारे जो है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में जो हमारे काम आ सकता है वो बच्चे हैं स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ठीक है, और भी आते हैं बट काइनेमेटिक्स को अगर हम ध्यान में रखें ना, तो पहले इन दोनों को हम देख लेते हैं, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो आगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो भाई स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास ये बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ना, और आपको स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट पता है, तो आपका काम हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट ज्वाइन देम। देखो हमने ज्वाइन कर दिया इसे, तो हमें क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिल गया। ठीक, अब कुछ बातें जो हमें देखनी है यहाँ पे, सीखनी है, वो उस पर थोड़ा आपका फोकस होना चाहिए। कि मान ले बच्चे कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है, मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो लाइन हमने बनाई, सपोज ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये सपोज कुछ थीटा एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो थीटा हमने लिया है ना बच्चे, ध्यान सुनना, थीटा है एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो इधर से इधर गया ये, है ना, इस तरफ गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गया। ठीक है ना। अच्छा, इस थीटा का अगर आप टैन ले लो, टैन थीटा, तो इसे हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इसे, स्लोप, और उसको हम लोग लिखेंगे एम से। ठीक है ना। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन में स्लोप की बात किया जाए, तो आपको सिंपली उस स्ट्रेट लाइन को किसी भी एक पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर आपने एक्स एक्सिस के पैरल लाइन ड्रॉ कर लिया, और उस पॉइंट पर वो लाइन कितना एंगल उस पैरल एक्स एक्सिस के पैरल लाइन से बनाएगी, वो उसका टैन क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर देखो कि मान लो ये आपका अगेन ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक लाइन आपने इसे ड्रॉ करी। ठीक, और ये पॉइंट हो गया ए, हो गया बी। ठीक, और ये एंगल जो बन रहा है, सपोज दिस एंगल इज 45, कितना ये 45। हमसे कोई बोले कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो मैं उसको बोलूँगा कि सर कि यहाँ पर इस लाइन ने, इस पॉइंट पर जब पैरेलल एक्सिस पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के, वो एंटी क्लॉक वाइज सेंस में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब जो थीटा यहाँ पर आएगा वो 45 आएगा, और जो स्लोप आएगा वो आएगा टैन थीटा, दैट इज टैन 45, और टैन 45 होता है 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम आपके लिए। ये है वाई, ये एक्स। ठीक, हमने इस बार लाइन ऐसे ड्रॉ करी। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और हमसे बोला गया कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो एंगल है ना, ये बन गया आपका 45 डिग्री। ठीक, हमसे बोला गया कि इस लाइन का स्लोप क्या है, इस वाई लाइन का स्लोप क्या है, तो आपको एक बार लगेगा कि सर अगेन 45 एंगल बना रहा है, तो टैन 45 ये होना चाहिए सर 1, लेकिन ये बटा हो जाएगा गलत। गलत क्यों है वो देखना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जब आप स्लोप की बात करोगे हमेशा, तो स्लोप आपको लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज थीटा, और जो स्लोप आएगा इस लाइन का वो आएगा टैन ऑफ थीटा, थीटा, और आप थीटा को लिख सकते हो 180 माइनस 45 इस वाले केस में। पूरा 180 था, उससे 45 हटा दोगे तो 180 माइनस 45 थीटा हो जाएगा। टैन 180 माइनस थीटा होता माइनस टैन थीटा, या माइनस टैन 45, यहाँ पे स्लोप आ गया माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या करना है आपको, कि जब आपका थीटा जो है, जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं, अगर थीटा आपका 90 से ज़्यादा है, तो स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर थीटा जो है लेस देन 90 है, तो स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर थीटा क्या हो गया, जीरो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। जीरो वाला स्लोप का केस नहीं बताया मैंने आपको, इधर देखो, ये हमारे पास y है,
ये एक्स एक्सिस है। अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के, तो थीटा आएगा ज़ीरो, तो स्लोप आएगा ज़ीरो, सही है ना। अच्छा, तो ये रही बात स्ट्रेट लाइन में स्लोप की बात, बट हम यहाँ पे सिर्फ स्लोप तो पढ़ने आए नहीं, तो देखते हैं आपका स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट वैसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, हम जिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं वो फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? सर थोड़ा बहुत पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है वाई और एक्स में और हमें ये बताना हो कि दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि आप वाई में पावर देखो मैक्सिमम, यहाँ पावर वन है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? वन है। जब ये दोनों वेरिएबल की पावर मैक्सिमम वन है, इसका मतलब है कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझे क्या? अब इस फॉर्मेट में क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं वो देखने की ज़रूरत है आपको। ध्यान सुनना, अगर m पॉजिटिव है, m क्या है? पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ध्यान सुनिएगा, एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक, एक ग्राफ मैंने ये बनाया और एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ग्राफ नंबर वन, ग्राफ नंबर टू, ग्राफ नंबर थ्री, ठीक है। इधर आपका x एक्सिस है, इधर आपका y एक्सिस, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ नंबर वन पर देखो ध्यान से, आप सुनना मेरी बात बहुत कायदे से, ग्राफ नंबर वन पे अगर आप देखोगे, ग्राफ वन, ग्राफ वन, ग्राफ वन एक ऐसा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब अगर वहाँ पर x जीरो रखोगे तो y आएगा ज़ीरो, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर x और x रखने पर y ज़ीरो आता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर आप ये करते हो, x ज़ीरो रखोगे तो y ज़ीरो मिलेगा, इसका मतलब है कि c ज़ीरो आ जाए। तो ग्राफ जो वन है उसका फॉर्मेट हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स, सही है, क्लियर है। अच्छा, और अगर ग्राफ नंबर टू की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? ग्राफ नंबर टू। तो ग्राफ नंबर टू में अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास x इक्वल टू जब ज़ीरो रख रहे हैं हम लोग, x ज़ीरो रखेंगे तो y ज़ीरो नहीं है, y जो भी हो पॉजिटिव है ना, क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो y पॉजिटिव आया है जब x ज़ीरो है, वही आपका c देगा, वही क्या देगा आपको? c, ठीक है। जैसे आपने देखा ये ग्राफ आपने बनाया, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं दे रखे हैं 0, 3, ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात स्लोप जो देखोगे वो तो आपको थीटा लेस देन 90 है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, पहली बात तो स्लोप आपका पॉजिटिव है। दूसरी बात ये है कि जब x ज़ीरो रखोगे तो y की वैल्यू जो आएगी वही आपका क्या दे देगी? हमारे एक्सप्रेशन में c दे देगी, तो यहाँ पे जो c आएगा, c वो आ जाएगा आपका 3, सही है ना। तो ये जो ग्राफ नंबर 2 है उसमें है आपका ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज़ पॉजिटिव। अगर ग्राफ नंबर 3 की बात किया जाए, ग्राफ नंबर 3, तो अगेन उसको ध्यान से आप देखो तो यहाँ कहीं से जा रही है, इसमें देखने से ये मालूम चलता है कि जब x ज़ीरो है तो c आपका नेगेटिव है, मतलब ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। तो उसको या तो आप ऐसे लिख दो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और ये बता दो कि यहाँ पर जो माइनस आया है वो सिंपली ये बता रहा है कि जो y इंटरसेप्ट मिलेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बस। जैसे अब मैं इन सब पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अगर मैंने लिया y इज इक्वल टू 2x, तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया? आपका पहले स्लोप देखना, स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो और ये ओरिजिन से पास करेगा तो ग्राफ ऐसे आएगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो आप टेन थीटा क्या लिखोगे? m, और m के क्या लिखोगे आप? 2, ठीक है ना। ऐसे अगर मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो c के इक्वल है, तो c पॉजिटिव आया मतलब y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 3, तो यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, और इस दौरान ये जो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा है, तो m क्या लिखोगे सर? 2, और 2 मतलब हो गया टैन थीटा, ठीक है। अगर मैं लिख दिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो ये माइनस 3 मतलब जो आपने y डायरेक्शन में खींचना था
या इंटरसेप्ट देखना वाई में, सर वो नीचे से स्टार्ट होगा या नेगेटिव में जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -3। अगेन स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ ऐसा जाएगा ये, ठीक है। अगेन ये थीटा है तो एम क्या आएगा, टैन थीटा, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल, ठीक है। ये पहला फॉर्मेट हो गया और उसमें भी एम का वैल्यू पॉजिटिव लिया। अगर एम का वैल्यू नेगेटिव लिया तो सेकेंड केस देखो कि अगर एम नेगेटिव हो गया, एम क्या हो गया नेगेटिव, तो एम नेगेटिव कब होता है कि जब थीटा क्या हो जाए 90 से ज़्यादा हो जाए। अब ग्राफ देखो, एक जल्दी से पहचानो, ये हमने ग्राफ पढ़ा, सीधा आपको पहचानना है यहाँ पे एम क्या है, सर्व नेगेटिव, कैसे जरा देखो, जरा जल्दी से ये देखो, यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखो आप एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जो एंगल है ये थीटा जो आपको दिख रहा है ये 90 से ज़्यादा है, बिल्कुल है ना, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो जो है नेगेटिव आएगा। दूसरी बात है यहाँ जो स्लोप, मान लो बेटा इसके कोऑर्डिनेट में रख दिया 0, 3, ठीक है ना, ऐसे रख दिया, और जो है यहाँ पे जो आपका ये जो एंगल है ये वाला है ना, अगर मान लो बेटा मैं इस एंगल को बोलता हूँ 45, बस एक समझने के लिए ले रहा हूँ मैं सारी बातें, ठीक है। तो आपका फॉर्मेट स्ट्रेट लाइन का यही है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कितना था सर 3, और वो पॉजिटिव था तो प्लस 3 लिखा। अब सारा खेल है एम पर टिका हुआ है, एम निकालने के लिए क्या था आपको देख रहा था, ये जो टैन थीटा आएगा, टैन थीटा जो स्लोप है वो बेसिकली टैन थीटा होगा, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि इसको मैं -10 45 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ भी क्या आएगा -1, बस यहाँ पुट करो m की जगह पे, तो हमारे पास निकल गया y इक्वल टू -x+3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट y इक्वल टू mx+c का ग्राफ, ठीक है ना। तो इसमें m पॉजिटिव भी देख लिया, m नेगेटिव भी देख लिया। अगर m जीरो देखना है, इसे यहाँ पे एक लाइन हमने इसे ड्रॉ कर दिया, ये 0, 3 था, इधर y बटा इधर x, तो यहाँ पे m कितना है सर 0। y इजकल टू एम एक्स प्लस सी जब लगाओगे, अगर m 0 हो गया तो पहला टर्म 0 हो गया, तो y कितना आएगा c कितना है 3, तो y इजकल टू कॉन्स्टेंट जो आएगा, ये 3 क्या है कॉन्स्टेंट ही तो था, तो y इजकल टू कॉन्स्टेंट हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट हो गया, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं पैराबोला की, ठीक है। पैराबोला देखो, पैराबोला का नॉर्मल इक्वेशन में लिख दिया ax² + bx + c, ठीक है। कैसे पहचान में आएगा कि कोई एक्सप्रेशन जो है वो पैराबोला है या नहीं है, तो y की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है ना, पक्का। अब देखना, और इसके साथ साथ ये भी है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब पैराबोला हम जनरली दो टाइप के पढ़ेंगे, है ना, एक है बेटा अपवर्ड ओपनिंग और एक है आपका डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक है ना। इस तरीके से पैराबोला बनता है, ठीक है। अपवर्ड ओपनिंग कब बनता है, जब ए क्या रहता है आपका पॉजिटिव रहता है, और डाउनवर्ड ओपनिंग कब बनेगा, जब ए क्या रहेगा नेगेटिव, सही है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें छोटी सी, कि अगर मान लो सी हो गया 0, सी क्या हो गया 0, और आपका ए हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया पॉजिटिव, तो जो ग्राफ दिखेगा आपको वो कैसा दिखेगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2x² + 3x, मान लो ऐसे हमने ले लिया, ठीक। तो ये पूरा केस बन गया, सी तो 0 हो गया, इसमें कॉन्स्टेंट वाला टर्म, तो ये ग्राफ जो आपको दिखेगा वो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना, और ऐसा दिखेगा, ठीक। तो ये अगर मान लो यही y इक्वल टू होता -2x² + 3x, तो यही ग्राफ आपका कैसा बन जाता, ये अभी यहाँ पे क्या है माइनस लग गया ना x² के आगे, तो ये रोता हुआ पैराबोला है ना, डाउनवर्ड ओपनिंग, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पैराबोला का आपका हिसाब किताब हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे काइनेमेटिक्स में ये लोग कहाँ पर यूज़ आने वाले हैं, है ना, हमारे काइनेमेटिक्स में ये लोग कहाँ पर यूज़ आने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान ले बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि एक केस ले रहा हूँ, केस है ना, कि अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस में चल रहा है, मतलब 1D मोशन की तरफ है, वो 1D मोशन कर रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से वो चल रहा है, ठीक है ना। और हमसे बोला गया कि प्लॉट XT ग्राफ, क्या करना है अपने को,
एक्स टी ग्राफ बेटा प्लॉट करना है। तो पहले एक काम करो, आप मुझे बताओ कि जब कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन चल रहा है ऐसे, है ना, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स ले रहा हूँ, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? तो आप सेकेंड इक्वेशन लगाओगे यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, सर बोलो। यस लगाएंगे ऐसा, है ना। अब इस ग्राफ को हमें प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखो, एक्स टी ग्राफ प्लॉट करना है इसमें एक्स टी। तो अगर टी इक्वल टू जीरो देखा जाए तो एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो यहाँ पे जीरो रखो तो ये टर्म जीरो, तो ये एक्चुअली में सी वाला टर्म जीरो हो गया, तो वही वाला केस बन गया आपका जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, ठीक। अब इधर आपका आ गया एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट, इधर आ गया टी। तो ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, पैराबोला। क्यों? यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, उसकी पावर है 1, और जो टाइम वेरिएबल है उसकी पावर है 2 मैक्सिमम। तो ये आपका पैराबोला बनेगा। अब हंसता हुआ बनेगा, रोता हुआ बनेगा, वो डिपेंड करता है ए पर। अगर ए पॉजिटिव हो गया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे, है ना, और ये इधर भी जा सकता है, मैंने एक ही साइड बनाया ऐसे, ठीक है ना। अगर ए नेगेटिव हो गया तो वो इस तरीके से ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव के लिए था और ये किसके लिए था, नेगेटिव के लिए था। बोलो बात समझ में आई क्या, पक्का। तो छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें हम आपको आगे ले चलते हैं, वो देखिएगा। जैसे मान लो आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्लोप है उसको हम लोग ग्राफ से भी देखते हैं, है ना। स्लोप देखो, स्लोप क्या है, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या देगा मुझे, ये बोलेगा स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ किसी पॉइंट पर। मान लो यहाँ पे पी लिख दिया, मतलब एट पॉइंट पी, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसका क्या यूज़ आएगा, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है उसको हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, अगर उसका मोशन एक्स में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज डी एक्स अपॉन डी टी। तो अगर मुझे एक्स टी ग्राफ दे रखा है तो मैं बोलूँगा कि जो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ होगी या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा। जैसे मान लो कि मैंने एक केस लिया समझाने के लिए आपको, कि जो ए है एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, और आपसे बोला कि इनिशियल वेलोसिटी जो था यू वो ज़ीरो है। अब आपको एक्स टी ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो देखता हूँ, मैं प्लॉट करके बताता हूँ आपको। ये हमारे पास एक्स और ये टी है, ठीक, और उसने बोला कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन, मतलब यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है भाई। तो उस मोमेंट पे जब हम देख रहे थे इनिशियल वेलोसिटी को, हमें ज़ीरो करना है। हमने क्या किया, दो ग्राफ बनाए, एक ही ग्राफ में दो ग्राफ प्लॉट करो, एक ऐसा गया और एक इस तरीके से गया, ये 1 और ये 2, है ना। दोनों ही अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसमें से एक सही है और एक गलत है। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देख बच्चे, जो पहला वाला ही गलत है सर, वाई, बिकॉज अगर आप टी इक्वल टू जीरो पर पहले वाले ग्राफ पर स्लोप ड्रॉ करें, स्लोप देखें जरा, तो पहले वाले पर स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। दूसरे वाले पर अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो कुछ स्लोप ऐसा आएगा, ठीक है। इस वाले का ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, पहले वाले का जो स्लोप है m1, दूसरे वाले का जो स्लोप है m2, m1 नॉन ज़ीरो है जबकि m2 ज़ीरो है, क्योंकि m2 इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल, यहाँ पे थीटा ज़ीरो बनेगा, सही बात है ना। तो अगर m2 ज़ीरो हो गया, इसका मतलब स्लोप एट t इक्वल टू ज़ीरो हो गया ना, स्लोप एट t इक्वल टू ज़ीरो ये ज़ीरो हो गया, क्या हो गया आपका ज़ीरो। और स्लोप जो एक्स टी ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आता है वही वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी एट टाइम ज़ीरो वही आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा था ज़ीरो। इसीलिए आपका ये वाला जो वन नंबर ग्राफ था वो गलत है, जबकि टू नंबर ग्राफ क्या आपका सही है। बात समझ में आ रहा कुछ, पक्का। एक ग्राफ और मैं आपको देता हूँ, आपको उसको रीड करना है। जैसे मान लो कि हमें एक ग्राफ दिया है ऐसे, इधर x है, इधर t है, यहाँ पे x नॉट है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस, अगर मैं x को लिखना चाहूँ
तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या आपका एक्सेलरेशन है ना, और चूंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, चलो मैं और एक्सप्रेशन देता हूँ, एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चार आपके पास ऑप्शन है, इवन कह सकते हो आप, इनमें से कोई एक सही है, आपको बताना है विच वन इज़ राइट। ठीक है, तो एकदम ग्राफ को रीड करना चालू करो आप। अगर आप ग्राफ को रीड करते हो तो t इजकल टू जीरो पे पहले आप ये देखो कि पैराबोला है कैसा। ये आपका अपवर्ड है ना, हंसता हुआ पैराबोला है। कैसा ये? हंसता हुआ पैराबोला। ठीक है, इसका मतलब a पॉजिटिव आएगा या फिर t स्क्वायर के आगे पॉजिटिव चीज जुड़ी रहेंगी, मतलब ये आपका सेकेंड और फोर्थ गलत हो गए। बचे हमारे पास फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस नज़र आता है कि फर्स्ट वाले में ut का टर्म है और जो है फोर्थ वाले थर्ड वाले में ut का टर्म नहीं है। u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पर देखो, वेलोसिटी अगर चाहिए xt ग्राफ में तो आप वहाँ पे स्लोप देखेंगे। जो स्लोप आपको दिख रहा है यहाँ पे जो स्लोप आएगा m, वो आएगा जीरो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, या फिर जो भी यहाँ पे टाइम एक्सिस है। सही है, तो स्लोप जीरो मतलब यहाँ पर यू क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सही कौन सा है? थर्ड वाला सही है। बात समझे कुछ? अभी इस ग्राफ थ्योरी में हम और भी बातें करेंगे। मैं आपको अगले इसका जो बनाऊंगा, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा ग्राफ पे, उनमें कुछ